देश में ओमिक्रॉन के संकट के बीच हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देते हुए कोरोना प्रतिबंधों में खुद छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने एक आदेश में कहा कि राज्य में शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी, जबकि स्पा और स्विमिंग पूल को भी 50% लोगों के साथ खुले रहने की अनुमति दी गई है। अन्य सभी प्रतिबंध 28 जनवरी तक प्रदेश भर में लागू रहेंगे। हरियाणा सरकार का ये निर्णय ऐसे समय आया है जब राज्य में बुधवार को कोरोना के 8,847 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 59,344 हो गई, जिनमें से 57,708 होम आइसोलेशन में थे, जबकि संक्रमण दर मंगलवार को मुकाबले में 22.80% से घटकर 19.99% रह गई। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के अब तक 208 मामले सामने आए हैं, जिनमें 260 ठीक हो चुके हैं, जबकि एक मरीज अभी भी संक्रमित है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए सभी 22 जिलों में विभिन्न प्रतिबंधों को बढ़ा दिया था। इससे पहले 5 जनवरी और 10 जनवरी को राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार मॉल और बाजारों में शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति है।